आई थिंक खादी का सत्य है मैम, खादी का सत्य लोग यहाँ पे घूमते घूमते थक भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ वगैरह बहुत है, लोग यहाँ पे खादी के चाट पे खादी के चाउमीन पे एकदम टूट पड़े हैं। और वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग, और फिर से आपका दोस्त सुहेल आजमी आपके साथ है। और आफ्टर 3 मंथ्स मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बिकॉज इस 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, दैट्स वाई आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा मेरे बारे में। और सो आज मैं आ गया हूँ अपने शहर मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज मैदान में, बिकॉज यहाँ पे लगाया गया है ना खादी मेला सह प्रदर्शनी, जो कि काफ़ी वाइड लेवल का मेला लगाया गया। आप देख सकते हैं आरडीएस कॉलेज का जितना बड़ा मैदान है ना, पूरे मैदान में स्टॉल लगाए गए जहाँ पे खादी से बने हुए हर तरह की वस्तुएं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बहुत सारे जो स्टॉल लगाए गए हैं जो कि अलग अलग जिलों से अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं और अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, और प्योर खादी का जो वस्तुएं हैं जो बनाया गया है वो सारा कुछ यहाँ पे सेल किया जा रहा है। बने रही हमारे साथ इस ब्लॉग में, लेकिन ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। आपको शर्ट मिल जाएंगे, हाफ शर्ट वगैरह कुछ इस तरीके का, हर डिज़ाइन तो नहीं बोलेंगे, वो कलर वगैरह आपको हर कलर में मिल जाएंगे और प्योर खादी का मिलने वाला है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो स्टॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको कुर्ता वगैरह मिल जाएगा, तो अगर आपको कुर्ता वगैरह चाहिए होगा ना खादी का, प्योर खादी का, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्योर खादी होगा भैया, प्योर खादी होगा, ओके। तो प्योर खादी का आपको यहाँ पे कुर्ता वगैरह मिल जाएगा, इस साइड में मैंने आपको दिखलाया था शर्ट वगैरह मिल जाएगा, साथ ही साथ आप ये स्टॉल वगैरह जो है लेडीज़ के लिए ये भी आप ले सकते हैं। और ये कौन सा मटेरियल होगा भैया? ये खादी कॉटन होगा, ओके ओके हाँ ओके। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जो कि कुछ देर से मुझे वॉच कर रहे थे, सो कैसे भैया आप लोग? बहुत अच्छे हैं। कैसा मेला, कैसा लग रहा है मेला? काफी इंजॉयबल है कि नहीं, लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं जी? कुछ खरीदारी किया आप लोगों ने? नहीं खरीदारी नहीं किया, घूमने आए। अच्छा घूमने आए, अच्छा अभी घूमने आया, फिर देख के जाएंगे, फिर बाद में आए खरीदारी करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, मिलके बढ़िया लगा, थैंक यू। ओके 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 बाय। बना हुआ यहाँ पे आपको बंडी वगैरह मिल जाएगा और कुर्ता वगैरह मिल जाएगा, और बहुत सारे कलर और थोड़ी बहुत डिज़ाइन पैटर्न भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा सा कुर्ता और बढ़िया सा शर्ट वगैरह बना सकते हैं। इधर में मैं आपको दिखाऊं तो इधर भी आंटी ये सब शर्ट ही है ना, तो इधर भी ओके, तो यहाँ पर आपको सेम वैसे ही आपको शर्ट वगैरह मिल जाएगा कुछ इस तरीके। प्राइस वगैरह क्या होगा आंटी? 250, 300, 400 ये सब, ये शर्ट वगैरह ये सब की प्राइसिंग क्या होगी? ओके तो हाफ शर्ट आपको प्योर खादी होगा जी, हाफ शर्ट आपको 250 में मिल जाएगा, और अगर आप फुल शर्ट लेते हैं फुल बाजू का तो वो आपको 400 रुपये मिल जाएगा, डिस्काउंट वगैरह भी देंगे, डिस्काउंट करके है। ओके अलग अलग है या फिर स्टार्टिंग क्या होगी? 150 वाला कुछ दिखाएंगे, एक आध दो वेराइटी, ओके लाइक ये सब इस तरीके के मटेरियल में आप लेते हैं, ये प्योर खादी है, ये 150 रुपये मीटर पड़ता है, और एज पर योर चॉइस यहाँ पे बहुत सारे कलर और डिज़ाइन है। ये बिहारियों की शान गमछा, सो गमछा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको, और ये भी आप यहाँ से परचेज कर पाएंगे। भैया गमछे का क्या प्राइस होगा? 100 रुपया, मात्र 100 रुपया, प्योर खादी होगा, प्योर खादी का आपको यहाँ पे गमछा वगैरह भी मिल जाएगा, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है, और ये बिहारियों की शान है भाई साहब, तो आप यहाँ पे मात्र 100 रुपीज़ में आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बेडशीट है क्या? बेडशीट है, बेडशीट प्योर खादी होगा, प्योर खादी। हम बिहार शरीफ नालंदा से आए हुए हैं, जहाँ विश्वविद्यालय है वहीं से आए हुए हैं, यहाँ हर एक आइटम मुंगा से लेके जो भी सूती आइटम है, सिल्क है, हर आइटम यहाँ मिलेगा। मैं श्वेता हूँ और मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के द्वारा चुनी गई हूँ, मुझे 10 लाख मिला भी है और हमने भी रोजगार लगाया है, और कहाँ मुजफ्फरपुर में ही लगाया है, सर्किट हाउस रोड के पास 16 दिसंबर को ही लगाया है, और चूंकि हमारा चयनित हुआ था रेडीमेड गारमेंट्स में, और हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं डीएम सर प्रणव कुमार सर जी के, और संदीप पांडिक सर जी विधान सचिव जो हैं, जीएम सर धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सर, अमरिंदर सर, इन लोग के हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, अपने
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ड्रीम कम्स ट्रू। समीर कुमार सेठ जी का भी धन्यवाद, उद्योग मंत्री हैं। स्टार्टिंग 50 से होती है हमारे पास, 50 से जो दिखाएंगे उसमें ये खासियत है, जब धोइएगा ना तो ये नहीं कुछ नहीं होगा, इसको फाइव ईयर्स आप यूज कर सकते हो। इसे आप ब्रश से धोइए, वॉशिंग मशीन में धोइए, या इसको पटक कर धोइए, कोई फर्क मतलब किसी रफ एंड टफ यूज भी कर सकते हो और कुछ भी ड्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह जो कि सिर्फ हाथ से बनाए गए और थर्माकोल से बना हुआ है सर, अपने हाथों से बना हुआ है, ये वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कलर नहीं जाएगा। हमारे शॉप की स्टार्टिंग रेंज प्योर खादी में आपको 840 रुपये से होगी स्टार्टिंग जी, आफ्टर डिस्काउंट। बहुत सारी स्टॉल्स लगाई गई है जहाँ पे खादी के, सिल्क के और लेनिन के बहुत सारे कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेडीज़ जेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सारा स्टॉल को कवर कर पाना, एक एक स्टॉल पे जाके बात करना और दिखा पाना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ स्टॉल को मैंने कवर कराया और थोड़ा सा आगे आ जाते ना तो यहाँ पे एक आपको बड़ा सा एक स्टॉल दिख गया जहाँ पे मैट, डोर मैट और डोर मैट है, कालीन है, कालीन वगैरह और डोरमेट ये सब मिलेगा। ओके, क्या कुछ प्राइस वगैरह और ये मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया गया इसमें? ऊन का है, काटन का है, सिल्क का है। प्राइस वगैरह क्या होगी? प्राइस में वो देखो, डोरमेट 120 का है, 250 का है, 300 का है, सब अलग रेट का है। मेरा नाम साधना झा है और यहाँ बेसिकली हम लोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D प्रिंटर पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ भी खादी मेला में आने का हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो बच्चे जो कि इस चीज़ से अवेयर नहीं है रोबोटिक्स से, वहाँ यहाँ हम लोग तीन दिनों का ट्रेनिंग देंगे, 14 से 16 तारीख तक, 14, 15, 16, 5:30 से 7:30 बजे तक। इसमें बेसिकली हम लोग बच्चों को कोई भी चीज़ का मॉडल क्रिएट करना बताते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी व्हीकल रहते हैं, अभी तक में क्या ये है कि व्हीकल आगे चलते हैं तो आगे सेंसर नहीं लगा हुआ रहता, बैक में सेंसर लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, बट आगे नहीं लगा रहता है, गड्ढा आती है तो आप ब्रेक से कंट्रोल करते हैं बट गाड़ी आपको कंट्रोल नहीं करती, गाड़ी को खुद से कंट्रोल करने का मॉडल जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये सब कंसेप्ट जो है वो हम बच्चों को देना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूथ्स जो हैं 2-3 दिनों में हमने देखा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, तो इसी चीज़ को ये करते हुए हम लोग 3 दिनों का वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस ग्रुप के लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, 6 से 16 साल तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं, हम बना सकते हैं। मैं उससे ज़्यादा हूँ। कोई नहीं, आप भी आ सकते हैं ज्वाइन, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वो खुद से उस चीज़ को ये करते हैं। नहीं, ये इट्स चार्जेबल, 700 रुपीज़ है ये, हाँ, 3 days and 6 hours, इट्स नॉमिनल चार्ज। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या बोला तूने, बिस्किट वगैरह आपको मिलते हैं। मुझे लगता है ये खादी का बिस्किट है, खादी का बिस्किट है क्या आंटी? ये खादी की बिस्किट नहीं है, लेकिन खादी मॉल में उपलब्ध है मेरा चॉकलेट और मशरूम बिस्किट, मड़ुआ की बिस्किट है। ये मड़ुआ का होगा, हाँ, ये आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई भी ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि मेला अगर कहीं भी लगता है वहाँ पे लेडीज आइटम ना हो तो भाई साहब मेला जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता है। लेडीज आइटम होता ही होता है और ज़्यादातर होते हैं, लेकिन यहाँ पे खादी मेले में मुझे अभी तक एक ही स्टॉल दिखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पापड़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खादी पापड़ है क्या भाई साहब? ये अपना हाथ से बना हुआ है, अपना हाथ से बना हुआ है। ओके, तो क्या क्या चीज़ का, कौन कौन सा मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है? ये चना दाल का है, साबुदाना का पापड़ है, ये साबुदाना पापड़ है, ये चावल का है, ये चावल का है, चावल का क्या बोलते हैं इसको? ये तिलौरी है, तिलौरी बोलते हैं। और इधर आलू का चिप्स है। क्या कुछ प्राइस वगैरह क्या है? ये 40 रुपये, 40 रुपये पैकेट। और ये सब 1 40 का है। ओके, सुहेल आजमी ब्लॉग्स, सोहेल आजमी ब्लॉग, कल सुबह 8 बजे आ जाएगा, तुम अपना भी दे। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको कुछ स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, सत्तू है, आई थिंक खादी का सत्तू है, मैम खादी का सत्तू है, सत्तू,
ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं खादी का नहीं होता है ये चने का सत्तू है जस्ट किडिंग मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ ये चने का सत्तू ओके क्या प्राइस क्या होगी किलो कैसे होगी 160 का पर केजी 160 का पर केजी मिलेगा गेहूँ का चना जोर गरम मिलेगा पॉपकॉर्न मिलेगा सेब मिलेगा चना फ्राई मिलेगा बादाम पकौड़ा तीसी तीसी और चिड़ौरी सब चीज मिलेगा सब चीज मिल जाएगा रेट क्या होगी रेट वही 220 रुपए किलो तक खुद ही बनाते हैं खरीद के सारा अपना प्रोडक्ट है जीविका का दीदी लोग बनाती है घूमते घूमते अगर आप थक जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा चाट मिल जाएगा और बच्चों के लिए चाउमीन वगैरह है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा सो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं भैया यहाँ पे भैया मेला कैसा लगा आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा बच्चों के लिए मैं देख रहा हूँ कि सारे सुविधाएं हैं खाने पीने के लिए भी और खादी उद्योग के अंतर्गत जो ये चाट जो है चाट भी खादी का है या फिर जूट का है लग तो रहा है कि उसका एक प्रकार से क्या कहे कैसे शब्दों का समावेश करे कि वो उसमें समाहित हो जाए ऐसा तो कुछ शब्द हमारे पास नहीं है जो भी है बहुत ही अच्छा एंजॉयबल है लोग यहाँ पे आके मजे कर रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं जी जी ओके थैंक यू सो मच पहला जो है ना भाई साहब पूरे आरडीएस कॉलेज के मैदान में एकदम बढ़िया सा बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है सो लोग यहाँ पे घूमते घूमते थक भी जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ वगैरह बहुत है लोग यहाँ पे खादी के चाट पे खादी के चाउमीन पे एकदम टूट पड़े हैं और यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं खा भी रहे और इधर कुछ भैया ने यहाँ पे एक टेबल भी लगा दिया ताकि लोग यहाँ पे बैठ के खरीदारी कर सकते हैं और ये दूसरा स्टॉल मुझे दिखा जो कि लेडीज़ के लिए रिजर्व करा गया भाई ज़्यादातर होता क्या है ना कि किसी भी मेले में आप जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो शॉप होता है स्टॉल होता है ना वो लेडीज़ के लिए रिजर्व होता है बट यहाँ पे मुझे अभी तक दो ही दिखा मैं पर एक स्टॉल यहाँ पे वैकेंट है मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगा लूँ तो यहाँ पे एक स्टॉल है जो कि मधुबनी पेंटिंग का यहाँ पे आपको किया हुआ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी लाइक आप हैंडलूम आइटम्स लें साड़ी लें दुपट्टा लें या फिर सूट सलवार लें तो आपको यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग करके यहाँ पे दिया जाएगा काफ़ी बेहतरीन होता है और आप सभी लोगों को वर्ल्ड वाइज लोगों को पता है कि मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत है और क्या खूबी है तो यहाँ पे आगे एक स्टॉल मुझे दिख गया जहाँ पे चूरन और चॉकलेट वगैरह और स्टॉल दिखा जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के स्पाइरल बाइंडिंग वाले और स्कूल मेट के और बहुत सारे यहाँ पे वैरायटीज़ के कॉपी रखे गए स्टेशनरी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे राज इंटरप्राइजेस ये मार्केट से जो है रेट जो है इसका काफ़ी मुझे कम लग रहा है नमस्कार सर मैं मुकेश सिन्हा बोल रहा हूँ उससे हमने स्टार्टअप किया कॉपी बनाने के लिए और मैंने ये कोशिश किया कि मार्केट से सस्ता दूँ 400 पेज की कॉपी है 150 रुपया MRP है तो प्रमोशन कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ में हम लोग दे रहे हैं कि एक कॉपी है जो क्लासमेट टाइप का आता है 172 पेज की कॉपी है ठीक है 172 पेज है इसमें और 55 रुपया इसकी MRP है जो कि हम लोग 36 रुपया में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सो गाइस खादी मेला को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करा यहाँ पे इतने सारे स्टॉल हैं ना कि पूरे स्टॉल को एक एक करके डिटेल में कवर करना बहुत ही मुश्किल है सो जब यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये सारा चीज़ तो आप परचेज कर ही पाएंगे साथ ही साथ हर प्रोडक्ट में आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा और बस ये था आज का एक ब्लॉग आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग इफ यू लाइक दैट हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट ब्लॉग